जब आएगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया तो पूरे रेंगल में लड्डू बटवाएंगे, आसमान में चलेगा लाल घोड़ा और जमीन पर सुतड़ी बम धरती को हिलाएंगे। गर्मियां भी आ गई है, जहाज में बैठने से पहले सभी को 10 दिन तक नींबू व पानी पिलाएंगे। पोचिंकी की गलियों को चमकती पेटियों से सजाएंगे। यशनाया में सभी को एक एक फ्लैट दिला देंगे। बदले में तुमको बस ये बोलना है, भाई किलचोर, लाइक सब्सक्राइब के बटन को हम हिला देंगे। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयो। तो भाइयो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और आज हम भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम करने वाले हैं। वैसे तो भाई हम किलचोर है लेकिन एक पुलिस वाले की गाड़ी लेकर 9-2-11 हो जाएंगे। अब हम आए थे भाई 9 में, यहाँ पर भाई मुझे जाते ही गन भी मिल गई और लाल घोड़ा भी मिल गया तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहाँ पर एक स्क्वाड और आई थी तो पहले उन्हीं को लपेट लेते हैं। भाई किलचोर तुम पेटियां चमकाओ, हम तुम्हारे साथ है। अब इन दो की तो चमक गई थी भाई पेटी और जिसको सबसे पहले आते ही भैया आशीर्वाद दिया था ना, वो यहाँ से छिप कर निकलने की सोच रहा था। अब ये भाई साहब जो है यहाँ पर भाई अपनी आखिरी सांसों से लड़ने लग रहा था तो इसकी तो चमका दी थी पेटी। अब इसको किसी ने रिवाइव नहीं दिया था और मुझे लगा कि भाई इनका ये लास्ट बंदा था, लेकिन ये था भाई बोटनी की बुआ का लड़का, जोकर वाले कपड़े पहन कर आया था भाई। और आज पता नहीं भाई क्या हो गया था, मतलब टच अच्छे से काम नहीं कर रही थी, मैं टच कहीं और कर रहा था भाई और हो कुछ हो रहा था। और चुन्नू भाई क्या हाल है? तो ये वाली टीम तो भाई रेंगल छोड़कर चली गई थी और अब कुछ ही दिन बाकी है भाई अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को आने में भाई, जिसका हमें था इंतजार। वो घड़ी आ गई भाई, मजा आ जाएगा। मतलब बस कुछ ही दिन बाकी है, अब तो ज्यादा टाइम नहीं बचा भाई। अब ये समझो कि 10 दिन के अंदर हमें ना बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि भाई गेम कब आएगा और भाई एक अलग ट्रेलर और कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, मजा आएगा भाई। अब बस क्या बताओ यार, सच में बहुत ज्यादा मन है यार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को खेलने का। और अगर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जल्दी ही आ जाता है और फिर M4 कोई भी मेरी भाई मतलब स्किन निकलती है या फिर भाई कोई क्रेट आती है M4 के लिए तो भाई अपग्रेड करेंगे, जो जो ज्यादा गन यूज करते हैं ना उन गन को भाई अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब की बार पहले नहीं की थी भाई क्योंकि जब पबजी बैन था, लेकिन अब ट्राई करेंगे तो उन सबको टपका कर भाई और अपना लाल घोड़ा लूट कर हम जो भाई यहाँ पर देखते ही किसी ने लाल घोड़ा चलाया था तो भी इसको लूटने के लिए आ जाते हैं। नाम है किलचोर और काम है ड्रॉप पर हाथ साफ करना, दूसरों के कपड़ों पर हाथ साफ करना, दूसरों की लूट पर हाथ साफ करना। भाई किलचोर मान जा यार। अब किलर भाई को तो भाई किल कर दिया था और पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन भाई अब यहाँ से जो है फुटस्टेप आने लग रहे थे तो मैं एक मोली फेंकता हूँ। अब इस बंदे को ना भाई डैमेज मिला था और अब ऊपर से भाई जोन भी आ गया था तो मैं यहाँ पर भाई ये पेन किलर खा जाता हूँ। और जब भी आप जोन में फाइट लो ना, आपके पास भाई जितने भी ड्रिंक वगैरह है सभी जो है गटक जाया करो भाई, अपने आप को फुल बूस्ट रखा करो, अच्छा रहेगा। अब मैं ये वाली मोली फेंकता हूँ इस तरह से कि ये अंदर की तरफ जाए क्योंकि बंदे अंदर थे और इस मोली से एक बंदा हो जाता है नॉक। तो ये भी टपक गए थे भाई, यहाँ पर दो बंदे थे। वैसे दूसरे वाला कैसे बचा भाई मोली से ये नहीं समझ में आया। और दूसरी टीम और आई थी यहाँ पर जिसका एक बंदा भी बचा हुआ था। तो यहाँ पर भाई इनके प्राइवेट ड्रॉप पर हाथ साफ करने में भाई हम जो है कामयाब हो जाते हैं और इन सबको टपका कर भाई सजा देकर इनको निकल जाते हैं यहाँ से। और आप ये समझ सकते हो कि भाई अब मैं बस 10 दिन और जो है पबजी के गेम प्ले डालने वाला हूँ भाई, फिर मैं
चला जाऊंगा ये छोड़कर, क्योंकि बैटल ग्राउंड से मोबाइल इंडिया आ जाएगा। और अब जो है सर्कल बहुत ही गलत जगह पे बना था, तो सोचा कि भाई बोट से जाते हैं, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर जो है पहले से ही कुछ चुन्नू मुन्नू थे। तो पबजी में वारदात उन दीदा, पता नहीं लगता भाई कौन बंदा कहां पर मिल जाए, कुछ नहीं पता। और इनके पास ना मुझे गजरा मिल गई थी, और ये तो भाई हम सबका पहला प्यार है। अब मुझे लगता है कि पबजी में कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको गजरा पसंद ना हो। तो ये उठाकर भाई मैं यहां से निकल जाता हूं 200 की स्पीड में। अब ब्रिज जो ब्लॉक हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि भाई वहां पर हम फंस जाए, तो सर्कल छोटा था इसलिए भाई बोट लेकर ही यहां से निकलना अच्छा रहेगा। लहरों से डरकर कभी भी नौका पार नहीं होती, इरेंगली बोटनी कभी भी बीमार नहीं होती, लाइट के बटन पर बजाओ ताली। अब यहाँ पर भाई ये सुनाया वाली पुलिस आई थी भाई गाड़ी लेकर, और ये जो है प्रमोशन के लिए भाई यहाँ पर जो है कैंपिंग करके बैठा था। अब ये देखो, ये है आम जिंदगी और ये है हराम जिंदगी। वैसे इसका तो नाम ही यही था भाई, किंग कोबरा। तो ये काला नाग था भाई, असली वाला काला नाग। और अब यहां से भाई इस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर मैं निकल जाता हूं, ताकि हमारा कोई भी चालान ना काट सके, और भाई इस गाड़ी को देखकर सभी डर डर के भाग जाए। अब सर्कल छोटा था और घर जो है यहीं पर थे बीच में, और जब सर्कल छोटा हो ना भाई तो सभी यहीं पर आ जाते हैं। तो यहां पर भी एक गाड़ी आ गई थी। अब यहां पर भाई पहले से जो है एक काला नाग और था, अगर मैं यहां पर प्रोन नहीं होता ना भाई तो मेरे प्राण जो है पक्का निकल जाते। तो यहां पर पहले हम धुआं उठा देते, और बंदा तो मुझे दिखा ही नहीं था भाई, बस मैंने तो वैसे ही प्री फायर दे दिया था, क्या पता भाई तुक्के से बंदा टपक भी जाए। अब इस बंदे का कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि भाई ये बंदा लेटा कहां पर है। पुलिस वाले को मारता है बदतमीज लड़के। दिल चोरे जीत लिया दिले, काले नाक को कर दिया किले। अब यहाँ पर भाई ये वाला बंदा मुझे तो नहीं दिखा था, लेकिन भाई दिल चोर भाई को वैसे ही लगा कि वहां पर कोई बंदा होगा, तो इन्होंने भाई वैसे ही ट्राई किया और ये बंदा हो गया था नोक। वैसे उस वाले घास में ना भाई बंदों का पता ही नहीं चलता कि कौन कहां पर है। तो बचे थे दो बंदे। तो भी ये उस टीम का भाई लास्ट बंदा बचा हुआ था, ये भी यहां पर काला नाग बन कर लेट गया था भाई, तो इसको भी टपका दिया। और इस वाली गाड़ी में ना भाई अलग ही फीलिंग आने लग रही थी। वैसे पबजी का ना भाई मुझे ये सबसे अच्छा अपडेट लगा कि भाई जो भी पहले जिस भी गाड़ी में बैठेगा, अगर उस गाड़ी की स्किन जो है चेंज हो जाती है तो वही रहेगी। और मुझे सच में भाई बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला अपडेट। अब जिसके पास स्किन भी नहीं होती ना, तो इससे भाई उसको भी फायदा होगा। विनर, 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 तो आज भाई मैं इरेंगल में ना पुलिस बनकर घूमने लग रहा था। तो उम्मीद है आपको आज की इस गेम प्ले में भाई 10-15 हजार किलो मजा आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किल चोर मचाएगा तबाही।